यूट्यूब चैनल न्यूक्लियस एविएशन सेंटर। तो आज का हमारा पहला लेक्चर है सेमीकंडक्टर के ऊपर, ठीक है। ये आपका जो है B1 वालों के लिए बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस सेमीकंडक्टर के 4 पार्ट्स हैं, ठीक है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। DGCA में लगभग इसके हर सेशन में आपका 10 से 12 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर के होते हैं। सो B1 वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, थोड़ा हिस्ट्री भी देखेंगे सेमीकंडक्टर का क्या क्या यूज है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसके टाइप्स जानेंगे कि सेमीकंडक्टर होते कितने प्रकार के हैं, ठीक है। तो चलिए पेन पेपर निकाल लीजिए नोट्स के लिए। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर है, जो आज का हमारा लेक्चर टॉपिक है वो है हमारा इंट्रोडक्शन, ठीक है। हम लोग सेमीकंडक्टर से थोड़ा रूबरू होंगे कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। उसके बाद है हमारा डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, ठीक। तो आज का हमारा लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। तो सेमीकंडक्टर हम लोग बचपन से सुनते आए होंगे, क्लास 7-8 से लगभग, सेमीकंडक्टर होता क्या है। नाम से पता लगा ये सेमीकंडक्टर मतलब कंडक्टर तो है पर पूरी नहीं है, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि जो भी प्योर कंडक्टर की प्रॉपर्टीज होती है वो सेमीकंडक्टर से मिलती जुलती नहीं है, थोड़ी सी उसकी डिफरेंस है। और ये भी कह सकते हैं कि इंसुलेटर से भी ये, प्योर इंसुलेटर से ये डिफरेंस है। इसकी जो भी प्रॉपर्टीज होगी वो कंडक्टर की और सेमी आपकी इंसुलेटर की वो बीच में होगी, ठीक। इसको हम लोग इंटरमीडिएट कंडक्टर कह सकते हैं, ठीक है, बीच वाला। तो सेमीकंडक्टर में हम लोग जानेंगे कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। तो अभी तक में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में है। तो लिखिएगा सेमीकंडक्टर इज दैट टाइप ऑफ मटेरियल विच हैव the property which have the property graphic properties between conductor and insulator conductor का example ले तो हो गया आपका silver, copper and metals, कह सकते हैं metals। और insulator में आपका क्या हो गया, प्लास्टिक, ग्लास, ठीक है, रबर, ठीक है, ये सब आपके प्योर इंसुलेटर की एग्जांपल है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि सेमीकंडक्टर का इतना इंपॉर्टेंस सेमीकंडक्टर पढ़ना क्यों जरूरी है इतना, और इसका क्या रोल है डेली लाइफ में, इसका क्या रोल है, ठीक। तो जब इसकी डिस्कवरी हुई, सेमीकंडक्टर की जब डिस्कवरी हुई, ठीक है, 1930 के आसपास में जब इसकी डिस्कवरी हुई, तो उस वक्त क्या हुआ कि आपका एक टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया। आपके कंप्यूटर्स बनने लगे, लैपटॉप बनने लगे, फोन्स वगैरह, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका स्पेस टेक्नोलॉजी, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें में डेवलपमेंट आई, एक बूस्टअप हुआ। तो उससे क्या हुआ, आपकी छोटी छोटी डिवाइस से बड़ी बड़ी हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट को ऑपरेट करने लगे। तो इसका डेली लाइफ में जैसे आप एग्जांपल में लो कि आप बल्ब जो घर में आजकल यूज करते हो, LED बल्ब, वो भी क्या है, सेमीकंडक्टर ही है, एक तरह का LED लाइट इमिटिंग डायोड, वो भी एक तरह का सेमीकंडक्टर है। पहले के घरों में क्या होता था कि आपका बल्ब यूज करते थे, CRT टेलीविजन, बहुत बड़ा डब्बा सा टेलीविजन यूज करते थे, तो वो सबों में क्या होता था, आपका हीट एनर्जी जो है, आपका
हीट एनर्जी जो भी होती थी वो आपका लॉस होती थी, लॉस ऑफ हीट एनर्जी उस वक्त। अब सेमीकंडक्टर में क्या हुआ आपका, जब सेमीकंडक्टर हम लोग एलईडी लगाने लगे, एलईडी टीवी लगाने लगे, उससे क्या हुआ आपका हीट एनर्जी सेव करने लगे आप, हीट एनर्जी आपकी सेव होने लगी। तो हम लोग कह सकते हैं ये एनर्जी सेमीकंडक्टर जो है एनर्जी सेविंग डिवाइस है, ठीक है। और आप जो डेली लाइफ में जो मोबाइल चलाते होंगे उस मोबाइल के अगर मेन सर्किट देखे होंगे आप लोग, तो मेन सर्किट में क्या होता है आपका एक इस तरह से का बहुत मतलब कि चिकनापन होता है उसमें, एक चॉकलेट टाइप का दिखता है। तो उसमें क्या होता है वो ऐसे दो लेग लगे होते हैं, कोई ऐसा होता है जिसमें तीन लेग लगे होते हैं, तो वो क्या है ये डायड है, ये तीन लेग वाले ट्रायड है, तो ये भी एक तरह का क्या है सेमीकंडक्टर है। और आज जो आप लोग फेसबुक इंस्टाग्राम ये सब चीजों का जो इस्तेमाल करते हैं तो उसका भी बेस, उसका जो बेसिक है वो क्या है, वो भी सेमीकंडक्टर है, ठीक है। हमारा जो क्वांटम फिजिक्स जो हम लोग पढ़ते हैं तो उसके भी जो बेस है वो सेमीकंडक्टर ही है। हम लोग आज मंगलयान, ठीक है, चंद्रयान मंगलयान बड़े मतलब हम लोग लॉन्च कर रहे हैं रॉकेट वगैरह, तो उसका जो आपका बेसिक जो है वो क्या है, उसके अंदर भी सेमीकंडक्टर ही है। तो हम लोग इस तरह समझ सकते हैं कि सेमीकंडक्टर की कितना बड़ा रोल है आपके लाइफ में। अगर आपके लाइफ में ये सेमीकंडक्टर ना आता तो कितना बड़ा प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, कितनी प्रॉब्लम्स होती है वो आप समझ सकते हैं इससे। आज घर बैठे बैठे आप लोग कहाँ से कहाँ चैट करते हैं, वो सभी चीज जो होते हैं आपका फेसबुक इंस्टा व्हाट्सएप, इन सभी चीजों का जो बेसिक है वो सभी चीज सेमीकंडक्टर ही है, ठीक। तो सेमीकंडक्टर इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, हम लोग क्वेश्चन तो मन में आता है इतना इंपॉर्टेंस क्यों सेमीकंडक्टर, तो उसका ये दो रीजन है। पहला तो ये यूनि डायरेक्शन होता है, इट कैन बी यूनि डायरेक्शनल। दूसरा है इट कैन बी कंट्रोल द चार्ज कैरियर्स कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि आप लोग एग्जांपल में देखते हैं, आपको अगर मैं एक दिया जाए कंडक्टर, ठीक, तो इसमें जो आप करंट फ्लो करेंगे तो वो करंट बाहर इधर से आएगी और वही वो करंट अंदर भी जाएगी, मतलब आप रिटर्न उसको आप रोक नहीं सकते रिटर्न होने से, जो करंट जाएगी वो करंट उधर से आएगी भी। लेकिन इसमें ऐसा क्या होगा सेमीकंडक्टर में, अगर आप इधर से करंट भेजें, अगर आप चाहते हो कि इधर से करंट ना आए तो इसमें ये चीज पॉसिबल है। तो ये सब चीज पॉसिबल किसके कारण हुआ, इस जो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, ये जो चार्ज कैरियर्स हैं इसके, उसको कंट्रोल किया गया, उसके कंट्रोल के हेल्प से आप लोग ये सभी चीजें पॉसिबिलिटी, ये सभी पॉसिबिलिटी आप लोग ला पाए। तो इसका इंपॉर्टेंस जनरली दो इंपॉर्टेंस ये हुआ। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर क्या है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट्स के लिए, या फिर आप लोग वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक। अब पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंस बिटवीन सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो हेडिंग डालिएगा डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है। तो कंडक्टर की बात करें, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर, तो कंडक्टर में क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स फाउंड, ठीक है। दूसरा जो इसका है, इसकी रेसिस्टिविटी जो होती है वेरी लो होती है, कंडक्टिविटी वेरी हाई कंडक्टिविटी, ठीक। और इसमें जो होते हैं नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या कह सकते हैं रेयरली फाउंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इसकी जो रेसिस्टिविटी होती है
सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर। रेसिस्टिविटी रेसिस्टिविटी इज वेरी हाई और इसकी जो कंडक्टिविटी है वेरी लो। कंडक्टिविटी जो होती है वो वेरी लो होती है। ठीक, एग्जाम्पल के रूप में आप देखें तो ग्लास हो गया, रबड़ हो गया, ठीक है, और कह सकते हैं क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज हो गया, ठीक। और इसकी कंडक्टर की एग्जाम्पल देखें तो आप कॉपर वायर, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, मेटल्स, ऑल मेटल्स, मेटल्स हो गए, जितने मेटल्स हैं। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर की जो रेसिस्टिविटी होगी वो होगी आपकी इंसुलेटर से और कंडक्टर से, वो दोनों के बीच में होगी। ठीक है, आप लोग एक फॉर्मूला याद रखिएगा, R इक्वल टू रो एल बाय ए। यहां से हम लोग दो चीजें का पता लगाते हैं, एक रेसिस्टिविटी की, एक कंडक्टिविटी की। जितनी ज्यादा रेसिस्टिविटी होगी उतनी कम कंडक्टिविटी होगी, और जितनी ज्यादा जितनी कम रेसिस्टिविटी होगी उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। तो कंडक्टिविटी आपकी जो होती है इसके इसके अंदर वो इसके अंदर जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के कारण होती है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के कारण होती है। ठीक है, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती थी जो कंडक्टिविटी, जो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास कराते थे कंडक्टर से, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की मदद से, और इसमें जो होती है इलेक्ट्रॉन होल्स दोनों की रोल होती है। ठीक, आप लोग फिर इसके बाद रेसिस्टिविटी जो इसकी होगी वो क्या होगी, रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज ग्रेटर देन कंडक्टर, सॉरी रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज ग्रेटर देन कंडक्टर एंड लेस देन इंसुलेटर। ठीक, और जो इसकी कंडक्टिविटी होगी वो क्या होगी, वो भी लेस देन कंडक्टर होगी और मोर देन आपके इंसुलेटर होगी। कंडक्टिविटी इज लेस देन कंडक्टर एंड रेसिस्टिव एंड लोअर देन इंसुलेटर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कंडक्टर्स कितने तरह के होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि बैंड, सॉरी इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे बैंड एनर्जी, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कोवेलेंस बैंड क्या होती है, फिर पढ़ेंगे हम लोग वैलेंस बैंड क्या होती है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होती है, फिर लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, जिसे हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज बस इंट्रोडक्शन था कि सेमीकंडक्टर होता क्या है, एक बार रिवीजन कर लें। सेमीकंडक्टर इज दैट मटेरियल व्हिच हैव द प्रॉपर्टीज इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर इज दैट मटेरियल व्हिच हैव द कंडक्टिविटी इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर क्यों इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसके सेमीकंडक्टर हम लोग इलेक्ट्रॉन जो चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन एंड होल्स उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, उसके कंट्रोल से क्या होता है, आपका अलग अलग ग्राफ आता है जो वैल्यू सॉरी आपका वोल्टेज वर्सेस आई ग्राफ जो होती है वो अलग अलग तरह के ग्राफ आते हैं इसी कंट्रोल की वजह से। फिर इट कैन बी यूनिडायरेक्शनल, अगर हम चाहते हैं कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो करें वो भी पॉसिबल है इसमें, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे वो फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस क्या होता है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे ये एक ही तरह से एक ही डायरेक्शन में कैसे फ्लो करवाते हैं, तो फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तब तक का आज का बस इंट्रोडक्शन पार्ट था। और हाँ, अगर आपको मतलब हमारा वीडियो पसंद आता हो आया हो अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए, और जो भी आपको मतलब इससे इसमें प्रॉब्लम हो रहा हो आप क्वेश्चन कीजिए नीचे। और उसके बाद अगर पसंद आ रहा हो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, इससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा।
हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और आपका भी, आपके लिए भी हम वीडियो डालते रहेंगे। तो ये टॉपिक नोट कर लीजिए, हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं बैंड एनर्जी क्या होता है और कोवेलेंस बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये जो सेमीकंडक्टर है इसमें किस तरह के बैंड बनते हैं, सॉरी किस तरह के बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, कैसे बनते हैं वो सब पढ़ेंगे आगे। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इसके फर्दर कैटेगराइज क्या क्या किए गए हैं सेमीकंडक्टर के, तो वो आगे की लेक्चर में पढ़ेंगे। NPN क्या होता है, PNPN क्या होता है, PN जंक्शन क्या होता है, ये सब आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई लेक्चर देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और लाइक एंड कमेंट। थैंक यू फॉर दिस।